अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम आपको इन शॉट के अंदर वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे। जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा, इस तरह की वीडियो के लिए आपको चाहिए इन शॉट ऐप। तो सिंपल आपने इन शॉट ऐप को ओपन करना है, यहाँ वीडियो के ऑप्शन पर आ जाना है, न्यू के ऑप्शन पर आगे गैलरी में से कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल हम जहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, वीडियो के आपने वॉल्यूम को कर देना है, जहाँ से वॉल्यूम पे आकर ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करने के बाद सिंपल अगर आपकी वीडियो छोटी है, आप इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो सिंपल स्पीड के ऑप्शन पे आके इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देना है इस तरफ को, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और आपने फिर आ जाना है फिल्टर के ऑप्शन पे, यहाँ से एडजस्ट के ऑप्शन पे आके इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देनी है। तो सिंपल हम इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको इसकी लुक भी चेक करवाते हैं कि एडिट होने से पहले कैसी तरह से थी और अब कैसी है। उसके बाद आपने करना क्या, ओके करना है। ओके करने के बाद फ़िल्टर के ऑप्शन पे आके जहाँ से फ़िल्टर को ही अप्लाई कर लेना है, जो से फ़िल्टर अप्लाई करना चाहें फिर ओके कर दें। उसके बाद आपने आ जाना है पीएपी के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने फ़ोटो के ऑप्शन पे आके जहाँ से ये वाला एक ब्लैक वाले को ले लेना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। आपने अपनी वीडियो के ऊपर एडजस्टमेंट कर लेनी है, जैसा भी करना चाहें। उसके बाद आपकी ये इस तरह से हो जाएगी, जहाँ सेपरेट करेंगे जहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपने फिर पीआईपी के ऑप्शन पे आना है, जहाँ वीडियो के ऑप्शन पे आके जहाँ से गैलरी में से एक इस तरह से ये ले लेनी है। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आके जहाँ से स्क्रीन कर दें, जहाँ आप इसको चेक कर लें, जहाँ आपको ये अच्छा लगे आपने वहाँ इसकी एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपने इसको फिंगर की मदद से ऊपर ले आना है, जहाँ एडजस्ट कर देना है और जितनी रखना चाहें रख लें, और आगे सेपरेट करके डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने आ जाना है पीआईपी के ऑप्शन पे, वीडियो के ऑप्शन पे आगे नीचे से आपने एक ले लेनी है। ये आपको ये मिल जाती है, शेडो टाइप की होती है ये, तो ये हर वीडियो के ऊपर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से होगी, ये रेन वाली होगी। तो उसके बाद आपने आ जाना है जहाँ ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आएंगे तो सिंपल आपने करना क्या है, इसको स्क्रीन कर दें या लाइटिंग कर दें। तो ऑलमोस्ट आप इसको चेक कर ले, जहाँ आपको एडजस्ट लगे तो आपने वहाँ कर लेनी है। उसके बाद आगे सेपरेट करके डिलीट कर देनी है, तो जहाँ से आप इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद आपने ओके करना है, ओके करने के बाद सिंपल आपने आ जाना है टेक्स्ट के ऑप्शन पे, गैलरी में से अपना कोई भी लिरिक्स वाला टेक्स्ट लिख लेना है। एक के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से फ़ोन को अप्लाई कर लेंगे, तो जहाँ से हम एक अच्छा सा फ़ोन अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने ओके करना है, ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा इसको कम कर लेना है साइज़ को, साइज़ कम करने के बाद इसको ऐसे कर लेना है एडजस्ट, इसको आपने खींच कर ले जाना है अपनी वीडियो के ऊपर इस तरह से, वो नीचे लगा देना है। लगाने के बाद आपकी इस तरह से वीडियो बनकर तैयार हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कमाल की वीडियो आपकी बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पर आगे इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर।